हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग तजना। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से हॉट चॉकलेट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हॉट चॉकलेट। इसके लिए यहाँ मैंने 500 ml दूध लिया है और ये उबला हुआ दूध है, कच्चा दूध नहीं है। अगर आप कच्चा दूध यूज कर रहे हैं तो पहले एक बार उबाल लें, उसके बाद ही यूज करें। उसके बाद मैं इसमें ग्रेटेड चॉकलेट डाल रही हूँ। आप यहाँ पर कंपाउंड चॉकलेट भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट मिल्क भी डाल सकते हैं, कोई भी चॉकलेट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर यूज करूँगी और 3 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं, बस इनको कंटिन्यू चलाते रहना है, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने अगर इनको कंटिन्यू नहीं चलाया तो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने चॉकलेट मिला रखा है, कोको पाउडर मिला रखा है, तो नीचे जाके बैठ जाएगा। बस इसको इनको कंटिन्यू चलाते रहना है। ये उबला हुआ दूध है इसलिए इसमें ज़्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है। बस कच्चा दूध यूज ना करें, एक बार उनको उबालें, उसके बाद ही सारे सामान उनके अंदर डाल के इनको मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी हो गया, कितना थिकनेस हो गया इसमें। बस इनको कंटिन्यू चलाते रहना है। हमारा हॉट चॉकलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको आज के मेरे हॉट चॉकलेट की रेसिपी अच्छी लगी तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो एकदम फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। अब चलिए इनको सर्व करते हैं। यहाँ मैंने सिरेमिक के 2 कप लिए हैं, आप कांच का भी कप ले सकते हैं, स्टील का भी कप ले सकते हैं। इनके अंदर मैं इनको सर्व कर दूंगी। 500 ml दूध में यहाँ 3 ग्लास हॉट चॉकलेट बने हैं, बच्चों का फेवरेट है ये। अब बस इनको ग्रेटेड चॉकलेट से इनको डेकोरेट करेंगे और ये रेडी हो गया हमारा हॉट चॉकलेट। ये ग्रेटेड चॉकलेट है, आप इसमें चाहे तो कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। हमारा रेडी हो गया, मन कर रहा है ना आपका भी? तो चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय।